वेलकम बैक गाइस, कार गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं XUV 300 या XUV 300 के लिए कुछ लाइट्स मॉडिफिकेशन। और आज हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि करोल बाग मार्केट से बेस्ट डील आप कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 5 से 7 शॉप्स को सर्च किया, उसमें देखा पता किया कि क्या लाइट्स अवेलेबल है, कौन से कंपनी के, उसका क्या क्वालिटी है, किस प्राइस रेंज में आ रही है अलग अलग शॉप से। फाइनली जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो लाइट हमारे पास है जो हाई बीम के लिए आती है, उसका नाम है एक्सट्रीम ऑडियो का H1। H1 इज़ कॉम्पैटिबिलिटी, H1 आपके गाड़ी के साथ कॉम्पैटिबल है। ये प्रोजेक्टर के अंदर लग जाएगा, अगर W8 ऑप्शनल है उसमें प्रोजेक्टर आता है XUV में, तो उसके अंदर ये ईजिली फिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको 2 ईयर्स के वारंटी कार्ड मिल जाएगी और 180 वॉट की लाइट मिल जाएगी जो 18,000 लुमिनस की लाइट जनरेट करेगी। ये लाइट कुछ इस प्रकार का रहेगा, एक्चुअली H1, H7, H8 इसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये आप देख लिए। चलिए अब H7 देखते हैं। ये हाई बीम के लिए H1, लो बीम के लिए H7 है जो कुछ ऐसा है। इसमें भी 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, 180 वाट की है, 18,000 लुमिनस की लाइट ये जनरेट करेगी और ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखो, ये H7 है जो लो बीम के लिए है। ये देखो, सभी में फ़ैन भी आएंगे ताकि इसको कूल रखा जा सके, हीट इसका निकाला जा सके। अब चलिए देखते हैं H8 जो हमारे फॉग लैंप में लगेगा। इस पर भी आपको 2 ईयर का वारंटी मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह से है। ये देखो, फॉग लैंप के लिए H8 नाम से आता है ये। ये देखो इसका किस तरह से कपलर दिया गया है। अब बारी है रिफ्लेक्टर की। तो रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह का है जो काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी में। अगर रिफ्लेक्टर पीछे लगा हो ना बढ़िया वाला, तो उसका लुक बहुत बढ़ जाता है। ये देखो, इसके ये कनेक्शंस वायरिंग दिए हुए हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स लोग सामने आके गिर जाते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट कर दिया, तो सब गाड़ी वालों का ही गलती होता है, ये सब चीज़ से बचने के लिए जो डैश कैम हमने लिया है वो देखो, ये वो ऐसा है क्यूबो का स्मार्ट डैश कैम प्रो। ये है क्यूबो का स्मार्ट डैश कैम प्रो, इसमें भी आपको वारंटी वगैरह आ जाएगी। ये देखो, ये इसका कैमरा है, ये आपके विंड स्क्रीन में पेस्ट हो जाएगा, इसे वहां चिपका देना है जैसे हम लोग फास्टैग को जैसे लगाते हैं उस तरीके से लगा देना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको कार के अंदर का भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं तो ये घूम के कार के अंदर की तरफ भी हो जाएगा, बाहर की तरफ भी हो गया, जो भी जैसे भी आपको डायरेक्शन पसंद है वैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ये 12 वोल्ट वाला आता है सॉकेट, इसमें ये लग जाएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं आपकी कितना कॉस्ट हमें पड़ा। ये कुछ कोटेशंस हैं, ये देख सकते हैं, कुछ 15,900, कुछ 15,000, कुछ और भी अलग अलग कोटेशंस था, कुछ मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल। तो सब 5-7 दुकान 6 दुकान को देखने के बाद कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है, सभी में अलग अलग कंपनी की लाइट अवेलेबल थी। सेम लाइट सेम कंपनी की तो मुझे नहीं लगता कहीं भी मुझे मिला, सब अलग अलग कंपनी के बेच रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का मेरे को लगा, जो मैं देखा सब कुछ चेक करने के बाद, वो मुझे एक्सट्रीम ऑडियो ये वाली लगी। इसको ट्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, ट्रैक्चर भी बोल रहे थे वो शॉप वाले। तो फाइनली मुझे जो इसका कॉस्ट पड़ा वो है 15,000 कंप्लीट, और ये मैंने लिया है जय ऑटो से। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फाइनल बिलिंग है 15,400 उन्होंने लगाया था कम वम करके, पता नहीं उसके बाद 15,000 में वो मान गए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल बिलिंग है। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको भी अच्छा डील लेना है, मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है करोल बाग का, इतने सारे शॉप्स हैं, अगर आपको अच्छा डील लेना है तो थोड़ा टाइम
अपने हाथ में रखिएगा और जाकर थोड़ा पेशेंस के साथ सभी शॉप में, मतलब 5-7 शॉप में, सभी शॉप में तो पॉसिबल नहीं, 5-7 शॉप में आप घूमिए, वहां से उनका कोटेशन लीजिए कि किस कंपनी का है, क्या वारंटी है, बाकी और भी जो डिटेल आपको, कितना लाइट क्या है आप चेक करवा सकते हैं, तो वो सब आप पूछिए उनसे। और उसके बाद कंपेयर करिए कि बाकी शॉप्स में वो कितना रेट का डिफरेंस है, या क्वालिटी का डिफरेंस है, या वारंटी का क्या डिफरेंस है। मुझे इन्हीं इसी रेट्स पे कहीं पे 1 ईयर वारंटी मिल रहा था, कहीं पे 2 ईयर वारंटी मिल रहा था, कहीं पे लाइट का वॉट कम था ज़्यादा था, तो ये सब मैं कंपेयर करके फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप भी अपडेट करना चाहते हैं अपने लाइट्स को, XUV300 की बात कर रहा हूँ, और W8 मॉडल है मेरे पास ऑप्शनल, जिसमें प्रोजेक्टर लाइट्स आते हैं, तो उसके लिए ये सफिशियंट है। और इस पे गाड़ी पे ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, अदरवाइज 220 वाट के भी लाइट आते हैं, लेकिन गाड़ी पर जोर पड़ेगा उसको लगाने पे, इसलिए मैंने 180 वाट को चूज किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।